हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर हम वो की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि आगे के लेक्चर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, राइट? तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ठीक है। अब उस स्ट्रीमलाइन इक्वेशन को फिर जब अपन स्ट्रीम फंक्शन डिराइव करेंगे तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रीमलाइन इक्वेशन से हम डेराइव करेंगे स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूड पार्टिकल, उसको अपन दो तरीके से देखेंगे, तो एक तो लैग्रेंजियन मेथड से देखेंगे, दूसरा आयलेरियन मेथड से देखेंगे। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे रोटेशनल फ्लो, रोटेशन एंड वर्टिसिटी। तो ये जो जितने डेरिवेशंस हैं ये आपको मैं इतने अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ कि जो, क्योंकि अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं ना कि व्हाट इज़ द एजम्पशन ऑफ रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो, है ना। फिर हमें ये नहीं पता होता है कि ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है या कोई हमें स्ट्रीम फंक्शन दिया है तो हम ज़्यादातर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो फ्लो अपना कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है, रोटेशनल है, इरोटेशनल है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर अपन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, एंड देन श्योर रहना इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे नहीं आने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कमांड बनाने वाले हैं, राइट? सो कैन वी स्टार्ट द टॉपिक? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। क्या डिस्कस करेंगे हम? स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, राइट? तो होता क्या है स्ट्रीमलाइन इक्वेशन? आवर बेसिक कंसेप्ट इज व्हाट इज स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन को समझने के लिए अपन स्ट्रीमलाइन ले लेते हैं स्ट्रीमलाइन। हमने माना कि ये क्या था अपना, कोई स्ट्रीमलाइन था, राइट? ये क्या था अपना, कोई स्ट्रीमलाइन था। अब हमें पता है कि स्ट्रीमलाइन क्या होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर चुका है, उसके बेसिस पर अगर अपन बात करें तो स्ट्रीमलाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें फ्लूड के फ्लो का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? फ्लूड के फ्लो का डायरेक्शन बताता है, कौन? स्ट्रीमलाइन, राइट? तो अगर अपन ये मान के चलें, है ना, अगर अपन ये मान के चले कि कोई भी फ्लूड पार्टिकल है, मान लो कि यहाँ पर हमने क्या करा, एक फ्लूड पार्टिकल कंसीडर करा, इसको हमने एक फ्लूड पार्टिकल कंसीडर करा, और हमने माना कि ये जो फ्लूड पार्टिकल है वो एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया फ्लूड पार्टिकल अपना, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, किसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, फ्लूड पार्टिकल ने, वो क्या है? डी एस है। कितने इंटरवल टाइम के बाद? स्मॉल डी टी इंटरवल के बाद, ठीक। तो अब देखो, अगर हम बात करें, है ना, तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि हमारे पास तीन एक्सिस हैं। कौन कौन सी? अगर अपन नॉर्मली बात करें तो हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, है ना। तो हमने ये माना कि, अब देखो, ये फ्लूड पार्टिकल यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हुआ, डी एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट हैं वो कौन, क्या क्या हो गए, डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ये क्या हो गए, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गए, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इनकी बात करें तो डी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, है ना, वो किसके अलॉन्ग हो रहा है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। किसके अलॉन्ग हो रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। और एक्स एक्सिस पर अपन वेलोसिटी क्या कंसिडर करते हैं? अपन वेलोसिटी यू कंसिडर करते हैं। अगर अपन डी वाई की बात करें तो डी वाई डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे हो रहा है? वाई एक्सिस पे। किस पे? वाई एक्सिस पे। और इस पे अपन वेलोसिटी वी कंसिडर करते हैं। अगर अपन डी जेड की बात करें तो ये जेड एक्सिस पे हो रहा है और यहाँ पर अपन वेलोसिटी क्या कंसिडर करते हैं? डब्लू, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास तीन वेलोसिटी आ गए, यू वी और डब्लू। कितने आ गए? यू वी और डब्लू, राइट? तो अगर हम यहाँ से लिखें, यहाँ से अगर हम वेलोसिटी लिखें तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर अपन बात करें यू की तो यू इज इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। वी की अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी। अगर आप डब्ल्यू की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डी जेड बाई डी टी, ये हो गए, राइट? तो यहाँ पर देखो, सब में क्या है? टी है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर मतलब टी डी टी की वैल्यू निकालें तीनों से, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? यू डी एक्स। और ये निकल जाएगी वी डी वाई, मतलब ये क्या निकल जाएगा? डी एक्स बाई यू। यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी? डी एक्स बाई यू। वी की वैल्यू क्या निकल जाएगी अपनी?
जब अपन वी की बात करेंगे मतलब डी डी की बात करेंगे इस वाले में, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, डी वाई बाई वी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, डी जेड बाई डब्लू, क्या निकल जाएगा, डी जेड बाई डब्लू, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, ये अपना स्ट्रीमलाइन इक्वेशन है, ये क्या है, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम 2D फ्लो की बात करें, किसकी बात करें, 2D फ्लो की, ठीक। तो 2D फ्लो अगर हम बात करते हैं कौन से प्लेन की, XY प्लेन की, है ना। तो XY प्लेन की अगर हम 2D फ्लो की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, DXYU इज इक्वल टू DY बाई वी, ये क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन फॉर 2D फ्लो इन XY प्लेन, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन फॉर 2D फ्लो कौन से प्लेन में। यहाँ पर देखो, आप देखिए बता सकते हो कि हमने कौन सा प्लेन कंसीडर किया, x और y के कंपोनेंट है ना यहाँ पर, तो अपन बोल सकते हैं इन XY प्लेन, राइट। तो अगर ठीक है, अगर आप XY प्लेन कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, DXYU इज इक्वल टू DY बाई वी, ये क्या है अपना, ये है स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ये क्या है, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रीमलाइन के इससे रिलेटेड अपन कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। पहला की पॉइंट ये है कि जो दो स्ट्रीम लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, दो स्ट्रीम लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस कोई भी मास का फ्लो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मान लो हम स्ट्रीम लाइन क्या लेते हैं, मतलब एक इमेजनरी लाइन लेते हैं ना, मान लो अपना ये फ्लूड पार्टिकल है, मतलब फ्लूड पार्टिकल जो है वो इसके बीच में फ्लो हो रहा है ना, फ्लूड पार्टिकल इसके बीच में अगर बह रहा है या फ्लूड इसके बीच में बह रही है, तो यहाँ पर जो इमेजनरी लाइन अपन कंसिडर करते हैं और यहाँ पर जो इमेजनरी लाइन कंसिडर करते हैं, यही अपनी स्ट्रीम लाइन होती है। तो इसके अक्रॉस मास का फ्लो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, मास कांट बी फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, राइट। तो दो एजम्पशन हमने यहाँ से ये देखे कि स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ ये है कि देर इज नो मूवमेंट ऑफ फ्लूड मास अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, राइट। उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि जो स्ट्रीम लाइन की स्पेसिंग है वो इन्वर्सली किसकी होती है, वेलोसिटी के, किसकी इन्वर्सली होती है, वेलोसिटी के, राइट। तो ये कुछ की पॉइंट थे रिलेटेड टू स्ट्रीम लाइन। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने स्ट्रीम लाइन का थोड़ा सा डेफिनेशन देखा, उसके कुछ एजम्पशंस देखे, उसके बाद हमने स्ट्रीम लाइन इक्वेशन डिराइव कर ली, राइट। तो दिस इज द वेरी इजीएस्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, एंड मुझे लगता है कि इससे आगे चल के अपन और भी कुछ सीखेंगे। सो हमने देखा स्ट्रीमलाइन इक्वेशन डेराइव कर लिया, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि इन आ स्टडी फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट आर, वेलोसिटी कंपोनेंट हमें क्या दिए हैं, यू वी और डब्लू, तीन वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है, यू की वैल्यू दी है 2kx, वी की वैल्यू दी है 2ky और डब्लू की वैल्यू दी है -4kz। हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 101, एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्ट्रीमलाइन पास कर रही है। तो हमें क्या, मतलब हमें क्या करना है, स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन निकालना है किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन लिखते हैं, किसके लिए, 3D के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो थ्री डायमेंशनल फ्लो के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर यू वी और डब्ल्यू तीनों की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो अपन हम यहाँ पर क्या लिख दें, DXU इज इक्वल टू DY V इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, DZ W, ये क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, ये क्या हो गई, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, राइट, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यू की वैल्यू देखो तो क्या है 2kx, तो अपन लिख सकते हैं इसको dx, अपन इसको सब पार्ट में कर लेते हैं, है ना। इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू सॉरी dx बाई, ये क्या है, 2kx इज इक्वल टू DY/2KY इज इक्वल टू DZ/-4KZ, अपन ये आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर अपने समझने के लिए हम इसको एक्सप्रेशन मान लेते हैं, इसको एक्सप्रेशन ए मान लिया, इसको एक्सप्रेशन बी मान लिया, इसको एक्सप्रेशन सी मान लिया, अपनी कैलकुलेशन के लिए, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए और बी कंसिडर करते हैं, किसको, ए और बी कंसिडर करते हैं। तो जब अपन ए और बी कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, ए और बी कंसिडर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, ये क्या हो जाएगा अपना
डी एक्स बाई टू के एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई टू के वाई। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, टू के कॉमन है ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई, इंटीग्रेट कर दो इसको, है ना। तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें, y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा सी वन एक्स, y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी वन एक्स, इसको एज इट इज रख लो, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, अभी हमने एक कंसिडर करा है, अब हम a और c कंसिडर करते हैं, क्या a एंड c, राइट। तो a देखो, a अपना क्या था, डी एक्स बाई टू के एक्स इज इक्वल टू, सी क्या है, डी जेड बाई माइनस फोर के जेड, ये है। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ से क्या बचेगा, टू के कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा टू, ठीक है। तो अगर अपन इसको लिखें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से अगर अपन इसे लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो इसको अपन लिख सकते हैं, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई माइनस टू जेड, ये लिख सकते हैं, है ना, यही आया अपना, ठीक है। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, टू को इधर भेज दो, जो माइनस टू है ना इसको इधर भेज दो, आई मीन माइनस टू को नहीं, टू को इधर भेज दो, तो टू को इधर भेज दो, ये टू डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी जेड बाई जेड, इंटीग्रेट कर दो इसको, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग ई जेड प्लस सी, यही मिला ना। तो यहाँ से जब आप, अब ये सी क्या हो गया, सी टू हो जाएगा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी टू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया, जेड की वैल्यू मिल गई, है ना। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, क्या क्या है, हमारे पास वाई है, वाई इज इक्वल टू क्या है सी वन एक्स, और जेड इज इक्वल टू क्या है सी टू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये दो डिफरेंट वैल्यू हमारे पास हैं, है ना। अब हमें क्या दिया गया था, हमें कुछ पॉइंट दिया गया था, क्या पॉइंट दे दिया गया था, हम यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 101, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, ठीक। तो अपन यहाँ से रखते हैं, यहाँ से हम c1 और c2 की वैल्यू निकाल लें, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ से देखो, x इज इक्वल टू 1 है, है ना। तो यहाँ पर रख दें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 इंटू 1, है ना, यानी कि c1 इज इक्वल टू क्या हो गया अपना, c1 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया y, पर अगर आप y की वैल्यू रख दोगे तो c1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट। अब ठीक है, तो c1 इज इक्वल टू अगर 0 आया तो y जो आपने यहाँ पर निकाला था, y इज इक्वल टू c1 इंटू x, x की वैल्यू 1 है और 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, ठीक। अब अपन सेम चीज़ इसके साथ करते हैं, c2 निकाल लेते हैं, तो c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, जेड इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, जेड इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो c2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, c2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो c2 इज इक्वल टू अगर 1 आएगा तो यहाँ से जो तुम्हारी जेड की वैल्यू है, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x². अगर चाहो तो आप यहाँ पर x की वैल्यू भी रख सकते हो, है ना। तो ये क्या आ गया अपने, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन आ गया किस पॉइंट के लिए, फॉर दिस पॉइंट, ठीक। तो ऐसे करके देखो, अगर आप ये देखोगे तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, पर अपन ने इसको आसान बना लिया बहुत ही आसान भाषा में। ऐसे करके अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चंस का मैं, जब फ्लूइड काइनेमेटिक खत्म हो जाएगा तब मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगी, जिसके थ्रू आप एबल होंगे चीज़ों को आसानी से समझने के लिए, राइट। तो ये तो हमने क्या देख लिया, हमने स्ट्रीमलाइन देख ली, हमने क्या कर ली, स्ट्रीमलाइन देख ली, ठीक। स्ट्रीमलाइन देखने के बाद हमने स्ट्रीमलाइन इक्वेशन डेराइव कर लिया, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन डेराइव करने के बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की, किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को स्टडी करने के हमारे पास दो तरीके हैं, पहला तो है लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा है आयलेरियन मेथड। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अपन बेसिकली अगर हम गेट के सिलेबस की बात करें तो अपन दोनों चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, है ना, ज़्यादा डीप में ना जा करके वी विल ट्राई कि जल्दी ही इन चीज़ों को समझ जाएं। देखो
हम पहले बात करेंगे किसकी, लैग रेंजियन मेथड की, ठीक, हम अभी इसकी बात करेंगे, ठीक। तो देखो ये होता क्या है, जब भी अपन इस अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करते हैं, ठीक। अब देखो, तो देखो अगर हम फ्लूइड पार्टिकल की बात करें, है ना, तो हर एक पार्टिकल का यानी इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना वेलोसिटी होता है और उसका एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो यानी कि अगर अपन बात करें तो यू की, अगर अपन बात कर लें, मान लो वेलोसिटी कंपोनेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो अगर अपन थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करें तो तीन वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे, है ना, यू वी और डब्लू, ये तीन वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे। अगर अपन टाइम के साथ एक्स डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डीएक्स बाई डीटी को यू बोलते हैं, डीवाई बाई डीटी को अपन वी बोलते हैं, है ना, और डीजेड बाई डीटी को डब्लू बोलते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो हमें वेलोसिटी कंपोनेंट मिल गए, ये क्या मिल गया, वेलोसिटी कंपोनेंट। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अब हमें क्या करना है, अगर अपन एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी, है ना, यू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है तो इसको पुट कर दो, तो ये डी बाई डी टी तो ऑलरेडी है, यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकली अपनी, डी एक्स बाई डी टी, राइट। सेम चीज़ अगर आप ए वाई की बात करो तो ए वाई के साथ क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। अगर आप जेड की बात करो तो ये ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, राइट। अब यहाँ से एक चीज़ देखो आप, डी बाई डी टी को एज इट इज रहने दो और डी बाई डी टी को एज इट इज रहने दो, इसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो इसको लिख देते हैं डी बाई डी टी, है ना, इसको लिख देते हैं डी बाई डी टी। अब अगर वी की बात करो तो वी यहाँ से क्या थी, डी यू बाई डी टी, तो अपन इसको डी वाई बाई डी टी, है ना, तो इसको अपन यहाँ पर रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, राइट। और इसको अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी। तो अगर अपन यहाँ से एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर वाई, और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर जेड, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हमने अभी इक्वेशन डेराइव करा, ये इक्वेशन हमें क्या कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल फ्लूड पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लैग्रेंजियन मेथड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैग्रेंजियन मेथड। सो दिस इज द लैग्रेंजियन मेथड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ अ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, राइट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द आइलेरियन मेथड। सेकेंड मेथड अपना क्या है, आइलेरियन मेथड, ठीक है। अब आइलेरियन मेथड क्या करता है, देखो आइलेरियन मेथड के ये क्या करता है, जैसे हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो लैग्रेंजियन मेथड था उसमें क्या था कि अपन हम इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर कर रहे थे। तो अगर आप इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर करोगे, मान लो कि ये अपना कोई फ्लो है, है ना, एंड वी हैव टू कंसीडर इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल, तो इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर करने के, जब फ्लूइड पार्टिकल यहाँ है तो आपको भी यहाँ रहना पड़ेगा इसको देखने के लिए, फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो आप भी यहाँ जाओगे, फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पहुँचा यहाँ जाओगे, यानी कि जैसे जैसे फ्लूइड पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है वैसे वैसे आप भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो अपना ऑब्जर्वर होता है वो मूवेबल रहता है, ऑब्जर्वर क्या कहता है, मूवेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी स्टेशनरी पॉइंट पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं किसके साथ, फ्लूइड पार्टिकल के साथ, एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। सो दिस इज द लैग्रेंजियन मेथड। बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द आइलेरियन मेथड, हम क्या किसकी बात करें, आइलेरियन मेथड। सो लेट अस सपोज दिस इज द ये भी कोई भी फ्लो फील्ड है, अब यहाँ पर कोई अपना पार्टिकल है, है ना, अभी ट्रेवल कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वर यहाँ पर ही होगा, ऑब्जर्वर क्या होगा, यहाँ पर ही होगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा, इसमें अपन क्या कंसीडर करते हैं, इसमें हम मतलब एक फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन एक फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उस पॉइंट के अलॉन्ग अपन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखते हैं, ठीक है, किसमें, आइलेरियन मेथड में। मतलब यहाँ पर हम फ्लूइड पार्टिकल के साथ चलते नहीं हैं, बल्कि अपने आप को स्टेशनरी रख के और फ्लूइड पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, वी कैन सिंपली से दैट कि इन दिस मेथड वी आर फोकस्ड ऑन द मोशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल एज दे पास फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस, राइट।
एंड देन अदर पॉइंट इज दैट वी कैन सी दैट द ऑब्जर्वर रिमेन स्टेशनरी एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड एट सम पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर अपन मतलब हम बात करें तो वेलोसिटी के कंपोनेंट इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू एक्स वाई जेड टी. वी को अपन लिख सकते हैं वी एक्स वाई जेड टी, है ना. डब्ल्यू को लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड और टी. लिख सकते हैं इसे आसानी से, देर इज नो प्रॉब्लम, राइट. सो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बाई डी टी, है ना. वी इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी. एंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी. सो दीज आर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट, राइट. दीज आर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द what we have to calculate the acceleration in x y and z direction, right. So first of all we will calculate the value of acceleration in x direction. So ax is equal to, what is the value of ax, it is du by dt, rate of change of velocity with respect to time. So here the velocity is going to be changed with respect to the time, okay. So theek hai, ab dekho yahan par agar hum velocity ki baat kare to velocity ke itne component hain, x y z t, चार कंपोनेंट है. तो यहाँ पर अपन कंसीडर करते हैं. तो देखो, तो पहला तो क्या हो जाएगा, अगर अपन टी की बात करें टाइम के साथ वेलोसिटी जो वेरी करेगी तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी. बट यहाँ पर अपन कंपोनेंट है तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल टी प्लस. अब देखो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, डेल यू बाई डेल टी, उसके साथ फिर क्या आ जाएगा, ये डेल एक्स बाई डेल टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, राइट. देन डेल यू बाई डेल वाई, और फिर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी. नेक्स्ट डेल यू बाई डेल जेड, और ये क्या आ जाएगा अपना, डेल जेड बाई डेल डी टी, राइट. तो यहाँ से देखो, एक्स की अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी प्लस यू. यू कहाँ से आ गया, डी एक्स बाई डी टी को अपन क्या लेते हैं, यू लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, वी लेते हैं, है ना, और इसको क्या लेते हैं, डब्ल्यू लेते हैं. तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यू डेल यू बाई सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स, है ना, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड. सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. ठीक, ए वी विल टॉक अबाउट वाई डायरेक्शन. देन ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी प्लस यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी बाई डेल जेड. सो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर दैट फ्रॉम वेयर वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन, ओके. एंड वी विल डिस्कस इन लेटर. सो ये क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल टी प्लस यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, राइट. सो देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा है, अगर अपन यहाँ से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी. तो हमने क्या करा, एक्स की निकाल ली और उसी के रेफरेंस पे वाई और जेड, डी जेड की वैल्यू मतलब आई मीन ए जेड, दीज आर द ए जेड, राइट. ए जेड, ए वाई, ए एक्स, यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. तो हमने यहाँ से ये निकाल ली. ये कौन सा मेथड है, ये अपना है आइलेरियन मेथड. ठीक, तो देखो यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जो तीन कंपोनेंट हैं, है ना, ये तीन कंपोनेंट हैं, डी यू बाई डी टी, डी वी बाई डी टी या फिर डेल डब्ल्यू बाई डेल टी. तो ये क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसे अपन बोलते हैं लोकल एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं, लोकल एक्सेलरेशन. लोकल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोकली चेंज हो रहे हैं या फिर एक्सेलरेट लोकली हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट ईच पॉइंट. ठीक, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, लोकल एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर देखो बाकी की जितनी चीज़ें बची है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. ठीक, तो ये क्वेश्चंस कभी मतलब गेट में पूछ लेता है, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट. तो यहाँ से आप देखो, आपने दो अप्रोचेस पढ़े. किसके दो अप्रोचेस पढ़े, दो अप्रोचेस पढ़े आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के. ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा है ना, छोटा सा ही है पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज कि एन आइडियलाइज्ड फ्लो इज गिवन बाय, एक फ्लो वी इज इक्वल टू दे रखा है हमें टू एक्स क्यूब आई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई जे. ठीक है,
इज द फ्लो स्टडी और अनस्टडी? पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्लो अपना स्टडी है या फिर अनस्टडी है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इज इट टू और थ्री डायमेंशनल, यानी ये 2D है या फिर अपना 3D है, ठीक। उसके बाद फिर बोला है कि मेक कैलकुलेशंस फॉर वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, लोकल एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, लोकल एक्सेलरेशन, उसके बाद हमें निकालना है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, राइट। और हमें क्या निकालना है, ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल इन दिस फ्लो फील्ड एट पॉइंट, फ्लो फील्ड हमें दे रखा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2, 1, 3, ठीक। सो दिस इज आर क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। पहला तो हमें ये पता करना है कि फ्लो अपना स्टडी है या अनस्टडी है, दूसरा हमें ये पता करना है 2D है या 3D है, उसके बाद हमें ये पता करना, हमें उसका वेलोसिटी निकालना है, लोकल एक्सेलरेशन निकालना है और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, इतनी सारी चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये बात है कि यहाँ से अगर अपन देखें तो हमें अगर अपन वेलोसिटी, ये देखो एक्स और वाई के ही, एक्स और वाई प्लेन ही कंसिडर करा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट डब्लू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो वेलोसिटी कंपोनेंट है डब्लू वो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इससे हम मान सकते हैं कि ये कौन सा फ्लो है, ये अपना जो ये 2D 3D वाला क्वेश्चन था, इसे हम मान सकते हैं 2D फ्लो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मेक कैलकुलेशंस फॉर द वेलोसिटी, हमें क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो अगर अपन जैसे यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर हमें दे दिया था वी इज इक्वल टू 2x³ आई है माइनस 3x² yj, ये क्वेश्चन था। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये यू हो गया, ये अपना वी हो गया, है ना। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2x³, है ना, और वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x² y। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर दिया था उसमें हमें 2, 1 और 3 दे दिए थे, तो x, y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यहाँ पर रख दो तो 2 और 2 का क्यूब, जो आप v निकाल रहे हो तो -3, 2 का स्क्वायर और ये क्या आ गया, (1), है ना। तो यहाँ से जब आप u की वैल्यू निकालोगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 यूनिट। जब आप v की वैल्यू निकालोगे तो v इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -12 यूनिट, राइट। ये आ गया यहाँ से। अब आप वेलोसिटी वेक्टर अगर इसको उठा के अपने इसमें रख दें तो वेलोसिटी वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर हमें मिल जाएगा 16i, है ना, -12j, ये हमें मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। पर हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जब आप अपन रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √u² + v², तो अपन यहाँ पर रख दें वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर + यहाँ पर क्या बचा, -12 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे सो द वैल्यू विल कम 20 यूनिट्स, राइट, क्या निकल जाएगा, 20 यूनिट निकल जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द लोकल एक्सेलरेशन एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, हमें क्या निकालना है, लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो लोकल एक्सेलरेशन में 3 है, अगर अपन ax की बात करें तो ax में लोकल एक्सेलरेशन क्या था, du/dt, अगर अपन ay की बात करें तो लोकल एक्सेलरेशन क्या था, dv/dt, अगर अपन वैसे अपन 2D कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ax इज इक्वल टू du/dt और ay इज इक्वल टू dv/dt, तो रख दो यहाँ पर, तो dy/dt और u की वैल्यू यहाँ से क्या है, u इज इक्वल टू 2x³, तो यहाँ पर रख दो 2x³। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ये फिर क्या आ गया, dy/dt, और इसको भी रख दो, ये क्या है, -3x² y, तो ये भी आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी आपका लोकल एक्सेलरेशन है वो क्या है, लोकल एक्सेलरेशन आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, राइट। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है अपना, ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u∂u/∂x, है ना, +v∂u/∂y,
ये होगा ठीक है, सॉल्व कर लो अपन। यू की वैल्यू क्या निकली है जब अगर अगर अपन यहाँ से यू की बात करें तो यू यू की वैल्यू यहाँ से क्या है बताओ। यू इज इक्वल टू है 2x³, रख दो इसको 2x³ है ना, और फिर यहाँ से डेल वाई डेल एक्स, और फिर ये क्या है अपना 2x³ राइट। प्लस वी की वैल्यू क्या है अपनी, वी की वैल्यू है -3x²y, तो रख दो यहाँ पर -3x²y, और फिर डेल वाई और एक्स की वैल्यू क्या थी 2x³। तो यहाँ पर वाई की कोई कंपोनेंट नहीं है, अगर वाई की कोई कंपोनेंट नहीं है सो दिस विल बिकम जीरो है ना। यहाँ से ये वाला बचा, इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x³, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x² है ना। इसको सॉल्व कर लो तो ए एक्स की जो वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12x⁵। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अपन ए वाई कैलकुलेट कर लें तो ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यू डेल वी वाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी वाई डेल वाई है ना। रख दो यहाँ पर यू की वैल्यू तो अपनी हमें पता है 2x³ है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2x³ डेल बाई डेल एक्स, और इसकी वैल्यू क्या दी थी हमें -3x² y राइट। फिर देन प्लस वी की वैल्यू क्या हमें पता है -3x² y है ना, और फिर ये डेल बाई डेल वाई, फिर अपन को इसी को डिफ्रेंशिएट करना है -3x² y है ना। तो जब आप इसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो जो ए वाई की वैल्यू है ए वाई आ जाएगा -3x⁴ ठीक। तो ऐसे अगर अपन देखें तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई ठीक। तो अगर अपन अब अपन इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं एक्स की है ना, तो एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 2 यहाँ से है ना, और वाई की वैल्यू 1 दी है तो रख दो तो 12 और 2⁵। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 384, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी -48 ही आएगी ना। तो अपने पास दो वैल्यू हो गई। अगर अपन ए की बात करें तो ए इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 384i -48j है ना। अब अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है या फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है अपन इसको स्क्वायर कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू 384 का स्क्वायर प्लस -48 का स्क्वायर, एंड इसको जब सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी 387 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। सो आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, लैग्रेंजियन मेथड और आयलेरियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड में अपन क्या करते हैं कि एक मतलब सिंगल फ्लूड पार्टिकल को, हर एक फ्लूड पार्टिकल को कंसिडर करके स्टडी करते हैं और हम फ्लूड पार्टिकल के साथ मूव करते रहते हैं। पर जब अपन आयलेरियन मेथड की बात करते हैं तो एक डेफिनेट स्पेस के साथ इसका कैलकुलेटर या फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में इसका कैलकुलेशन करते हैं ठीक है। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड डोंट वरी वी विल मीट विद द क्वेश्चन पोर्शन ओनली ओके। सो हमने दो पॉइंट देख लिए, अब अपना तीसरा पॉइंट बचा रोटेशनल फ्लो, रोटेशन एंड वर्टिसिटी। सो आई थिंक द वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी लाइक बहुत ही बड़ा हो रहा है, सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन अंदर वीडियो लेक्चर ओके। तो जैसा भी हो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर ज़रूर करिए राइट।